नमस्कार दोस्तों, कॉइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया का बीच में जो एक सिक्के है 1947 का, वो सिक्के आज आप लोगों को दिखाएगा और उसका पूरा इंफॉर्मेशन भी दूंगा। 1947 में जो सिक्के मिंटेज हुआ था वो सिक्के है जॉर्ज सिक्स का 1 रुपी, 1/2 रुपी और 1/4 रुपी सिक्के। इसके अंदर आज मैंने आप लोगों को 1 रुपया सिक्के के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नमस्कार दोस्तों, कॉइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कृपा करके पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा अगला वीडियो आपका पास जल्द ही जल्द पहुंच जाए, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करने पड़ेगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल बटन है उसको दबाना ही पड़ेगा। 1947 वाला जॉर्ज सिक्स का ये 1 रुपया सिक्के की वेट है 11.66 ग्राम और इसका साइज है 30.40 mm टू 30.70 mm सर्कुलर कॉइन और सिक्योरिटी एज वाला ये सिक्के है निकेल मेटल की, ये कॉपर निकेल कॉइन नहीं है, ये निकेल वाला सिक्के है। तो दोस्तों मैंने जो सिक्के आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये सिक्के एकदम जेम कंडीशन का है, यूएनसी सिक्के है। 1947 वाला ये सिक्के मिंटेज हुआ था बॉम्बे और लाहौर मिंट से। तो दोस्तों बॉम्बे और लाहौर ये बात सुन के आप लोग सोचेगा जे लाहौर तो पाकिस्तान में है तो हमारा इंडिया का सिक्के वहां पर कैसे मिंटेज हुआ था। दोस्तों उस टाइम इंडिया का अंदर ये लाहौर मिंट था, इसीलिए बॉम्बे और लाहौर मिंट से 1947 वाला 1 रुपया सिक्के मिंटेज हुआ था। इसका जो प्राइस है मैं उसका इंफॉर्मेशन जरूर आप लोगों को देगा, लेकिन उसका पहले एक बात आप लोग को बता दूं, मैंने जो सिक्के दिखा रहा हूं इसका कंडीशन देखिए एकदम जेम यूएनसी कंडीशन। ये कंडीशन का सिक्के मार्केट में बहुत कम मिलता है क्योंकि हर कलेक्टर हर डीलर चाहता है ऐसा कंडीशन का सिक्के जो खरीदेगा और सेल भी होगा। तो दोस्तों अगर मैंने जो सिक्के दिखा रहा हूँ ये कंडीशन का सिक्के आप लोगों के पास है इसको रख दीजिए, मैं प्राइस बताएगा उसका बाद ये कॉइन आप लोग सेल करेगा कि नहीं वो सोचिएगा। तो कॉइनेज किताब में ये कॉइन का जो प्राइस दिया है मैंने वो अभी आप लोगों को बताता हूँ। बॉम्बे मिंट का प्राइस है 40 रुपीज, 50 रुपीज, 75 रुपीज और 125 रुपीज ईच कॉइन। लाहौर मिंट का प्राइस है 60 रुपीज, 75 रुपीज, 150 रुपीज और 500 रुपीज ईच कॉइन। बॉम्बे मिंट और लाहौर मिंट का कॉइन का जो प्राइस बहुत डिफरेंस है क्योंकि लाहौर मिंट से बहुत ज्यादा सिक्के मिंटेज नहीं हुआ था, बहुत कमती सिक्के मिंटेज हुआ था। तो 500 रुपया लाहौर मिंट का और 125 रुपया जो बॉम्बे मिंट का प्राइस मैंने बताया ये यूएनसी कॉइन का बताया और मैंने जो सिक्के आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये सिक्के है बॉम्बे मिंट का। तो दोस्तों कॉइनेज किताब में 125 रुपया यूएनसी कंडीशन का सिक्के की प्राइस दिया है, लेकिन मैंने जो कंडीशन का सिक्के दिखा रहा हूँ ये कंडीशन के सिक्के 125 रुपया में बिकने वाला नहीं है क्योंकि ये सिक्के मिनिमम 500 से 600 रुपया में एक सिक्के सेल होगा। ये जेम यूएनसी सिक्के है, ये यूज सिक्के नहीं है, जेनरल सर्कुलेशन से ये सिक्के मिला नहीं है। तो आप लोग जरूर समझ गया जो जेम यूएनसी सिक्के होने से कॉइनेज किताब में जो प्राइस दिया है वो प्राइस में सेल नहीं होता है क्योंकि अपना सिक्के जेम यूएनसी होगा तो अपना दाम में मैं मार्केट में सेल करूंगा क्योंकि ये सिक्के ज्यादातर मिलता नहीं है। जो आइटम मार्केट में कमती मिलता है उसका प्राइस हाई होता है, जैसे ये सिक्के कंडीशन में जो है जेम यूएनसी ये कंडीशन कम मिलता है इसीलिए ये सिक्के की प्राइस ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये सिक्के है तो जेम यूएनसी वाला यूज्ड कॉइन जनरल सर्कुलेशन से मिला है वो कॉइन नहीं, एकदम जैसे मैंने दिखाया ऐसा ही कॉइन अगर आप लोगों के पास है और आप लोग सोच रहा है मैंने जो बॉम्बे मिंट का 500-600 रुपया प्राइस बोला आप लोग प्राइस में सेल कीजिएगा, लाहौर मिंट का 500 रुपया बोला आप लोग
वही प्राइस में मार्केट में सेल कीजिएगा, नहीं होगा। क्योंकि आप लोग जो डीलर और सीलर का पास जाके ए सिक्के सेल करेगा, वो लोग कॉइनिज किताब में जो प्राइस दिया है उस प्राइस में नहीं खरीदेगा, वो 125 में भी खरीदेगा नहीं और 500 में भी खरीदेगा नहीं। अगर कंडीशन ऐसा होगा तो वो लोग बहुत कम दाम में खरीद के वो लोग का मनगढ़ंत प्राइस में मार्केट में सेल करेगा। और मैंने जो प्राइस बोला, अगर ये प्राइस आप लोग को मिलने वाला है, लेकिन इसलिए फेसबुक में एक तो अकाउंट बनाने पड़ेगा, तब आप लोग खुद ये सिक्के सेल करके ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों, मैंने 1947 का एक रुपया वाला जो सिक्के आप लोगों को दिखाया, वो सिक्के की जो इन्फॉर्मेशन दी, ये थोड़ा ध्यान में रखिए, यूएनसी होना चाहिए। और लाहौर मिंट का जो सिक्के है, वो सिक्के अगर डाउन कंडीशन का होगा तब भी सेल होगा, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया में भी सेल हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।